अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनोद चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळ तालुक्यातल्या मांडवीदिगर या पाड्यावर आदिवासी पावरा समाज रहिवास करत असून या पाड्यावर सुमारे 100 कुटुंब रहिवास करत आहेत। मात्र स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही हा पाडा मूलभूत गरजांसह शासनाच्या विविध योजनांपासून वंचित असून आधार कार्ड आणि कुठल्याही बँकेत खाते नसल्याने शासनाच्या कोणत्याही योजनांचा लाभ या पाड्यावरील कुटुंबांना मिळत नाहीये। या निषेधार्थ व आदिवासी पावरा समाजास न्याय मिळण्यासाठी मातृभूमी पक्षाच्या वतीने 22 नोव्हेंबर रोजी प्रांताधिकारी कार्यालयावर एल्गार संविधान मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले असून या एल्गार संविधान मोर्चाला हजारोंच्या संख्येने आदिवासी पावरा कुटुंबांसह जय मातृभूमी पक्षाचे कार्यकर्ते सहभागी होणार आहे। मैं मांडवी डिगर का रहने वाला हूँ और अपने मांडवी डिगर में ये हालत हुई हमारे बाल बच्चे की कि हम यहाँ 15-20 साल से रह रहे और हमारे बाल बच्चे जैसे जन्म हुए तो उनको जन्म तारीख नहीं मिल रही है, ग्राम पंचायत वाले नहीं लिए है। तो हम बस्ती में ये आदिवासी पावरा टांडे करके तुम्हारे पावरा टांडे बना लो, ऐसे ग्राम पंचायत वाले के कहना है। तो ग्राम पंचायत वाले के कहने के उसके बाद में हम गए कि हमारा ये आदिवासी क्षेत्र आता है तो आदिवासी यहाँ तड़बी पठान भील फांसी पाड़ दे और ये पावरा समाज ये रहते हैं तो उसमें तुम जोड़ो कि आज एसटी का आज हमारा समाज का सरपंच है, उसे हमारा कहने पर वो नहीं माना कि यहाँ पर बंजारे समाज रहते हैं। वो बंजारे समाज क्या कहने उनका कहना क्या है कि तुम आप सब एमपी का रहने वाले हैं तो वहाँ से तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट है लाओ। पर हमारा दादा यहाँ चाचा चाची यहाँ आ चुके हैं तो हमारा डॉक्यूमेंट वहाँ से नहीं मिलता है, यहीं से हमारा जन्म यहीं से है तो ग्राम पंचायत वाले लिखित करने चाहिए। पानी आज पीना पड़ता हमारे की हमारे पानी की सहायता नहीं है, कोनी करत नहीं हमारे की कोनी पात भी नहीं की हम चाकड़े की मान सांचे कसा अनुस है का है ते भी कोनी पात नहीं। आम्मी सांगता तो हमारे कोनी सांगता की तुम का है का नहीं असं म्हणून देता हमारे गावाला भी गावाला सांगता तो गावाला भी तसच म्हणता हमारे कि तुमचा काय आहे काय देऊ तुम्हाले ग्राम पंचायत वगैरे काय सुविधा देत नाही। ग्राम पंचायत मध्ये जाते तो ते म्हणता की तुमचा काही होणार नाही असं म्हणून देतात तर परत येणं पडतं आम्हाला। कोणता गाव आपलं आहे? हे मांडवादिगर। किती वर्षापासून आपण इथे राहता? आम्ही 20-25 वर्ष झाले आम्हाला पण काही देत नाही आम्हाला। पंचायत मध्ये जाते आम्ही आम्हाला असं तसं आणू असे असं म्हणता आम्ही आमचा असं तर असे असं म्हणता तो ते म्हणता की तुम्हाला काही देऊ तुम्ही कागदपत्र आणा असं म्हणता कागदपत्राला घ्यायला जाता तर कोणी म्हणता की तुमचं कागदपत्र काही देणार नाही इकडे भेटणार नाही तुमचं काही भेटणार नाही असं म्हणून देता आम्हाला। तुम्ही मतदान कुठे करता? मतदान होत नाही आम्हाला, मतदान काहीच नाही आम्हाला। कार्ड वगैरे काहीच नाही? आधार कार्ड देता तो? आधार कार्ड आहे की नाही तुमचं? आधार कार्ड भी नाही देता। आधार कार्ड काढायला जात तो रहिवासी दाखला मागते तो रहिवासी दाखला भी नाही देते तो। मग तुम्ही किती लोक इथे राहतात एकूण? आम्ही इथे राहते लई लोक राहते पण इकडे तिकडे असं कामावर चालले जाते माणसं। एसटी समाजी है, मूल निवासी, भारत के मूल निवासी है। हमको इतनी तकलीफ होगी साहेब कि हमको सरकार ने बोलते कि कोने कोने किधर बसे है, जंगलता बसेले इधर बसेले, बोलते सरकार की तुम्हारे घर घर आके तुम्हारा घर खोल दूंगा, घर घर आके तुमको राशन दूंगा, घर घर आके तुम गैस सिलेंडर दूंगा, बोलते ना घर घर आके तुम्हारा पानी सुविधा करूंगा। तो हमें ये कहना पड़ रहा है कि हम मूल निवासी आसिन बसले कि 15-20 साल हो गए, हम ग्राम पंचायत में किधर भी जाना तुम्हारा नहीं है, तुम कहाँ के है, हमारी ये चौकसी चालू है। हमेशा यही कहते कोई भी लोग आते तुम्हारा कहाँ है, इधर फारिस वाले भी आते हैं जस्ट 15 रुपए लेते हैं, उनको 100 रुपए दंड लेते हैं हमको, तो तुम्हारे यहाँ है ही नहीं बोलते कि हमारे बिरसा मुंडा खजाना है, टेंटे मामा उनका प्रॉपर्टी है कि अब इंग्रेज सरकार ने हमको दोष दिए थे, हमारे दादा दादी थे, ये था पूरा भारत का मूल निवासी उनका ही है, उनके कहीं लोग शहीद हो गए कहीं गुफे में मार भी डाले अंग्रेज, तो हमारा ये कहना कि हमको भारत के निवासी नहीं है क्या?
कि आपको हमारी यही मांगनी है कि हमको आधार कार्ड चाहिए, हमको आधार कार्ड की सुविधा चाहिए, हमको पानी की सुविधा चाहिए, हमको लाइन की सुविधा चाहिए, हमारे जो बच्चे पढ़ाने का ना मतदान चाहिए है, ना राशन है, ना कुछ है, तो हमारे बाल बच्चे पढ़ाएंगे अभी इंचित बैठे ढोर चारा रहे, तो तुम्हारे कुछ नहीं है, तुम्हारा नहीं होंगे नहीं होंगे तो क्या करेंगे, पढ़ाई करने जाओ तो ये लाओ वो लाओ, हम कहाँ से लाए, तो बना वाले सरकारी है ना, कर्मचारी काम है बनाने का, तुम जंगलत में रहता है, तुम अमुक रहता है, जंगलत में रहता है, हम पूरे भारत में मूल निवासी हम जंगलत में रहते हैं, मूल निवासी झाड़ के नीचे पैदा हुए कंद मूल, ये हम खा खा के पेट भरे, और पहले तो लड़के सहता नहीं तो पूरा अंधारे में रहता भी सुकाटा भी जी जनवर को भी पूरा धक रहता हमरे में, तो आप ये पानी तो बारिश का सहता नहीं है हमारे पास, बारिश 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 में तो बड़ा धरण में जाना पड़ता हमको। अच्छा कितने किलोमीटर से लाना पड़ता? 2-3 किलोमीटर लाना पड़ता हमको पानी, ऐसा सिर पे लाना पड़ता, गाड़ी नहीं घोड़ा नहीं हमारे पास, सहता नहीं है, गरीब मानसा है, तो ऐसा नाले में वाला पानी पीना पड़ता है हमको, हमारे में कोई सरकार नहीं है कोई नहीं, हमारे गांव वाले भी कोई नल नहीं लगाते कोई नहीं, तो हम ऐसा गंदा पानी पीते, हमारे बाल बच्चे भी भूखे ये तीसे ऐसे गंदा पानी पीते, बीमार गिर जाते हैं। इधर लाइट की सुविधा है? लाइट की सुविधा भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, अंधारे में रहते। कितने साल से रहते आप? हम तो ऐसा 20-21 साल से ज्यादा हो गए, तो हमारे वहाँ लाइट भी नहीं है, बिच्छू काटा की उसकी भी धाक रहती, सब बाल बच्चा अंधेरे में फिरते। ये पानी कहाँ से लाते आप? नाले में से, नाले में से पीना। तो पीने के लिए पानी कहाँ से रहता आपका? नाले में से पीता, नाले में से। जय माता भूमी। आमचे हमारे जो आदिवासी बांधव है और ये जो आदिवासी लोगों ने आज तक हमारे देश के लिए बलिदान दिया है, जैसे बिलसा मुंडा, तंट्या मामा, खज्जा नायक और ये सब हमारे आदिवासी जो बांधव है, हमारी माता भगिनी है, ये सब उन आदिवासियों के जिन्होंने देश के लिए प्राण अर्पण किया है, उन लोगों के वंशज है। लेकिन आज हम यहाँ आने के बाद ये पता चला है कि ये सब आदिवासी लोगों को जिन्होंने देश के लिए जान अर्पण किया है और देश स्वतंत्र होने के बाद आज 75वां अपन अमृत महोत्सव बनाने जा रहे हैं, लेकिन ये लोगों को आज तक जो मूलभूत सुविधा है जैसे नल, पानी, लाइट, स्कूल ये तो नहीं है, लेकिन इनके लिए राशन कार्ड भी आज तक सरकार ने बना के नहीं दिया है और नहीं आधार कार्ड बना है। ये इस देश के निवासी रहने के बावजूद जो बाहर से आते हैं उनके लिए राशन कार्ड बन गया है, उनका आधार कार्ड बन गया, उनका पासपोर्ट बन गया, वीसा बन गया, लेकिन जिन्होंने अपने देश के लिए जान अर्पण किया उसके वंशजों को आज भारत के तक न रेशन कार्ड बना, न इनका कोई इलेक्शन कार्ड में नाम आया है और न आज तक इन्होंने कभी इलेक्शन और वोटिंग किया है। तो ये हमारे जो हमारे राष्ट्रपति महामहिम जी उनको हम प्रणाम करते हैं और यदि हमारा उनके तक संदेश जाता है तो उनके लिए हमारा ये निवेदन है, हमारा आवेदन है कि हमारे ये जो आदिवासी बांधव है उनके लिए राशन कार्ड, मतदान कार्ड और कम से कम जो दवाखाने की सुविधा है जो सरकार में ली जाती है, आज महात्मा गांधी जी हमारे देश में जो लोग करोड़पति है, लखपति है, वह लोग फुकट में दवाखाने के लिए सुविधा कर ले रहे हैं और पीला राशन कार्ड बना रहे हैं, लेकिन जिनको सच्ची में जरूरत है, जिनके जरूरतमंद है, वो लोगों तक ये सुविधा नहीं आज तक पहुंचाई गई। तो अभी भारत स्वतंत्र के 75वें साल के अमृत महोत्सव में तभी इनके तक ये सुविधा जानी चाहिए, इसलिए ये सब लोगों के लिए, हमारे आदिवासी बांधव के लिए हम सब 22 नवंबर आने वाले 22 तारीख को मोर्चा लेकर जाने वाले हैं और हमारा शासन के सामने निवेदन रखने वाले हैं, हमारी मांग करने वाले कि हमें जो मूलभूत सुविधा है वो दिया जाए। जय मातृभूमि, मातृभूमि का।
या बातमी तिथेच थांबूया. ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा. तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोरवरील JBN News ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा. नमस्कार.